बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बात कीजिए आज की डेट की, तो दोस्तों आज है 25 अप्रैल और टाइम है 6:45। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल में वीलॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि वीलॉग बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, इसी तरह दोस्तों हर एक दिन निकल जाता था, लेकिन मैं वीलॉग शूट नहीं कर पाता था। लेकिन आज से मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए वीलॉग बनाया जाए। और इस टाइम मैं हूं अपने रूम में, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में एक क्लॉक लगी हुई है, और आपको यहाँ पर दिख सकता है फ्रंट साइड में यहाँ पर जो सनराइज हुआ है, यहाँ का मैंने आपको भी सीन दिखाया था। ये हमारे रूम की विंडो है, और इस रूम में दोस्तों आपको बैक साइड में यहाँ पर कुछ बुक्स इधर भी मिल जाएंगी, और कुछ बुक्स को मैं आपको दिखा दूँ कि जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मिल जाएंगी, यानी इस रूम में मैं स्टडी भी करता हूँ। तो ऐसे कुछ दोस्तों ये मेरी बुक्स हैं जो ये राइट साइड में रखी होती हैं, जो कि मैं कभी सोते समय पढ़ता हूँ। और फिर मेरे बिस्तर के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, इनको भी दोस्तों मैं पढ़ता हूँ। इनमें से बहुत सी बुक दोस्तों कंपटीशन की हैं, कुछ क्लास 12th की हैं, उनको भी दोस्तों मैं पढ़ता हूँ। इनमें से बहुत सी बुक इंग्लिश की हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश को भी पढ़ता हूँ, जैसा कि दोस्तों आपको मैं दिखा सकता हूँ। इनमें इंग्लिश के पूरा लिटरेचर पूरा स्पीकिंग के लिए दिया हुआ है, इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं, इसको भी मैं पढ़ता हूँ। और इसके साथ साथ मैं कुछ टेक्नोलॉजी की चीज़ों को भी पढ़ता रहता हूँ। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पर 7 o'clock हो चुका है, और मेरे रूम के ईस्ट साइड में है विंडो जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये है दोस्तों सनराइज का कुछ ऐसा लुक कि मेरे ईस्ट साइड में ये विंडो है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ऐसा कुछ यहाँ का सीन है। और यहाँ पर मुझको नेचुरली सनराइज होते हुए एग्जैक्ट टाइम में दिखता है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको भी दिखा दूँ, ऐसा कुछ है। और इस विंडो के राइट साइड में यहाँ पर एक टाइम टेबल लगा हुआ है, जिसमें मैं कुछ चीज़ों को अपने टाइम से मैनेज करता हूँ। और इसके ऊपर आपको माचिस की कुछ डिब्बी मिल जाएंगी। भाई साहब ये कोई स्मोकिंग के लिए नहीं, यहाँ पर आप दबंग भाई साहब को देख सकते हैं। इन माचिस का यूज मैं अपने रूम में मॉस्किटो को भगाने के लिए और अगरबत्ती को जलाने के लिए ही इसका यूज होता है। और मेरे रूम में जो आपको यहाँ पर क्लॉक दिख जाएगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत बदनसीब क्लॉक है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कि कब बंद हो जाए, कब चलने लगे, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। फिलहाल अभी तो यह एग्जैक्ट टाइम पर ही चल रही है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नोट्स मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ स्क्रिप्टिंग करता हूँ, कुछ चीज़ों को आइडियाज़ को लिखता हूँ, जिनको मैं सर्च करता हूँ। इस नोट में बहुत से वीडियो की स्क्रिप्टिंग लिखी होती है, जिसको मैं यूज करता हूँ बोलते समय। और यह मेरे कंटेंट की दूसरी नोट, जिसमें मैं आइडियाज़ को लिखता हूँ कि कैसे कैसे आइडियाज़ पर वीडियो बनाया जाए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ वायर जैसा दिख रहा होगा, दोस्तों यह मेरा बोया बाई M1 का माइक है। और यह रूम दोस्तों फर्स्ट फ्लोर में बना हुआ, जिससे दोस्तों समर के टाइम में, दोस्तों समर के मौसम में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हीट होती है। दोस्तों पीछे जो मेरे विंडो आपको दिख रही है, यहाँ से दोस्तों सनलाइट भी काफी तेज आती है, जिससे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। और यार मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था वीलॉग बनाने के लिए, रोज सोचता था कि बनाऊं, लेकिन मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। लेकिन किसी चीज को बार बार सोचने से अच्छा उसकी शुरुआत कर ही देनी चाहिए। और यार मैं वीलॉग के लिए बहुत सी चीजों को प्लान कर रहा हूँ, और बहुत सी क्रिएटिव चीजें इस चैनल में लाने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और भाई को सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट में बताना है कि आपके लिए कैसा वीलॉग बनाया जाए। तो यार आपको इस चैनल में सपोर्ट बनाए रखना है, इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगले किसी वीलॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है।